अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं आ गया हूँ गाज़ियान्तेप। और इस जगह पे भूकंप आया था, जैसे कि आप लोग को पता है तुर्की में 17.9 किलोमीटर का जो भूकंप है वो यहीं है। तो हम जा रहे हैं होटल यहाँ से, मैं इस्तांबुल से आया हूँ। और अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो और मैं कैसे कैसे आया हूँ। तो आइए चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, लोग यहाँ आके रह रहे हैं। तो आइए बाहर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम चलते हैं सबसे पहले होटल, फिर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा और होटल भी दिखाता हूँ क्या होटल कैसा है। फ्रेंड्स, हम मेट्रो मतलब टैक्सी कर रहे हो और मेट्रो से मतलब मीटर से जाएंगे, देखते हैं कितना बनता है मीटर से। सो फ्रेंड्स, मैं पहुँच तो गया हूँ लेकिन मैं रास्ते का व्यू नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि एक रीज़न था मेरा ना दिखाने का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी होटल चलते हैं, होटल आगे है, आइए। सो फ्रेंड्स, मैंने बुक तो कर लिया था 4-स्टार होटल और 2 दिन के लिए, 2 दिन यहाँ रुकेंगे देखेंगे। और होटल में आ गया हूँ, मतलब ऑनलाइन बुक करा था 500 लीरा में 2 दिन के लिए, 4-स्टार होटल सही मिल गया, फ्री ब्रेकफास्ट भी था और वाईफाई भी था। तो आइए जल्दी से रूम में चलते हैं, की भी मिल गई है अब। तो ये रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल बेड है। ये मैं आपको बाहर का व्यू बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। मैंने होटल जो है सबसे क्राउडेड एरिया में बुक करा था, जहाँ इस शहर में सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब पूरा सिटी, मैंने बस से देखा, टैक्सी से देखा, किसी से भी देखा, पूरा सिटी खाली दिखा। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का व्यू, आप देख सकते हो नीचे कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर में हम नीचे जाएंगे तो मैं आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा। नीचे बिल्कुल खाली था, ऐसा लग रहा है सब लोग छोड़ के चले गए यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर में हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, होटल के तो बाहर आ गया हूँ मैं, और यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी बुरा है। ये मेन मार्केट है जो ज़्यादा क्राउड रहती थी, और आप देख सकते हैं यही खाली है पूरी। सो फ्रेंड्स, मैं चलते जा रहा था, फिर मेरे को ये दिखा, आप इस बिल्डिंग को देख सकते हो, इस पर क्रैक है और इसका साइड्स का हिस्सा भी टूटा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी नीचे पड़ी हैं, ये देखिए। तो ऐसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें आगे चल के और देखने को मिलेंगी, भाई चलते हैं। ये देखिए इस बिल्डिंग का साइड का व्यू, ये यहाँ पे भी क्रैक वगैरह हैं। आइए और आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ भी, चलिए चलते हैं और आगे। ये है यहाँ की सबसे फेमस स्टैचू, मतलब इस मार्केट की। इतने मज़ेदार मज़ेदार मतलब मॉन्यूमेंट है यहाँ पे, और यहाँ से लोग चले गए खाली करके सब, मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ से चले गए इस जगह को छोड़ के, रिश्तेदारों के पास और दूसरे शहर चले गए, जैसे अंकारा, इस्तांबुल वगैरह, ऐसी जगह चले गए अपने आप को बचाने के लिए। अब यहाँ देख सकते हो कितना कम क्राउड है अब। तो अभी आप देख सकते हो भूकंप के बाद इस जगह का क्या हाल हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ का हाल पूरा ख़त्म हो गया, यहाँ पे सब कुछ जो भी था, ये देखिए घर मतलब सब तबाह हो गया, तो कैसे रहना पड़ रहा है बिना झोपड़ी बना के, ऐसे वो भी बर्फ़ के टाइम पे। अभी सबसे ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ गिर रही है, मतलब यहाँ पे तो अभी बर्फ़ नहीं है लेकिन रात में माइनस पे जाता है यहाँ पे, और ऐसे में इनको झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। ये देखिए पार्क वगैरह में झोपड़ी बना के रह रहे हैं, ये झोपड़ी वो पार्क में, ये देखिए वैन को अपना घर बना लिया, मतलब गाड़ियों को अपना घर बना रहे हैं। ये देखिए अभी मैं जिस जगह पर हूँ ना, इस जगह पे काफ़ी सारे लोग
कैंप लगा के रह रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वैसे एक्चुअली मस्जिद के सामने जो पार्क वगैरह होते हैं ना छोटे, वो है। और यहाँ पे लोगों को अपना खुद का कैंप बना के रहना पड़ रहा है, ऐसा झोपड़ी बना के रहना पड़ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि लोग किस मुश्किल में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो पूरा एक घर गिर गया। पुलिस ने यहाँ बैनर लगा दिया जिससे कोई आगे ना जा सके, आप ऊपर देख सकते हो। आइए और आगे चलते ही देखते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ के लोगों की क्या हालत हो गई है, अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं लोग, जिनके घर चले गए वो लोग कैसे मतलब बना के रह रहे हैं टेंट वगैरह। आप देख सकते हैं यहाँ की हालत कैसी हो गई है अब। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये मेरे पीछे मस्जिद है, इस मस्जिद के पास देखिए ये जो गुम्बद है सब टूट गया। ये देखिए, ये बहुत पुरानी मस्जिद थी और ये टूट गई है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। ये देखिए 18th century की है ये, और ये टूट गई। ये देखिए मस्जिद के अंदर का, और जो लोग यहाँ पे बेघर हो गए, जिनके पास अब घर नहीं है और खाने के कोई मतलब सामान नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए जो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आप लाइन लगी हुई है, और ये लाइन लगी हुई है खाने के लिए। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का खाना मतलब दे रहे हैं लोगों को, जिनके पास अब घर नहीं है, जो बेघर हो गए हैं उन लोगों की व्यवस्था कर रखी है खाने पीने की भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बहुत बुरे हालात हो गए हैं यहाँ पे लोगों के। सो फ्रेंड्स इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, और अब हम कल निकलेंगे। कल हम जाएंगे उस जगह पे जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है, जहाँ ये बिल्डिंग वगैरह ज़्यादा गिरी हैं। तो कल हम सुबह निकलेंगे जिससे जल्दी वहाँ पहुँच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें वहाँ दिखा सकूँ। तो आई होप आपको इस व्लॉग में देखा होगा कि कैसे शहर खाली हो गया है, कुछ जगह कैसे टूटी हुई हैं, मस्जिद के इमारत वो जो गुम्बद होते हैं साइड में वो भी टूटे हुए हैं, और कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाई, लोग छोड़ के जा रहे हैं अपना सामान पैक करके। तो मैं आपको मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।